हाय गाइस आज का हमारा टॉपिक है वायरस एंड एंटी वायरस कंप्यूटर सिक्योरिटी एम आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप सीखने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो चले बिना डीले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन सा था तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर क्रीपर ये फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम था वायरस स्टैंड फॉर अगर आप कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज़ अ कंप्यूटर वायरस इज़ अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट स्प्रेड इट ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप फैलता है द फर्स्ट पीसी वायरस वाज डेवलप्ड इन फर्स्ट पीसी वायरस किस ईयर में डेवलप किया गया था तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर 1986 में और पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर कोड रेड इज अ कोड रेड जो है ये क्या है तो पहला ऑप्शंस कहता है वायरस एंटीवायरस क्विक हिल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर राइट right आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर वायरस कोड रेड एक फेमस वायरस का नाम था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर होगा हाँ यही हमारा राइट right आंसर है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कोड रेड एक फेमस वायरस का नाम था तो ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता टू प्रोटेक्ट सिस्टम देयर आर हाउ मैनी लेबल्स ऑफ सिक्योरिटी लेवल अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का कितने लेवल का सिक्योरिटी लेवल होता है तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर थ्री तीन और वो कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट में लिख के बताना है द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर थ्रेट मोनिटरिंग यानी कि जो भी थ्रेट आपके कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले हैं उनकी अच्छे से निगरानी करके मोनिटर करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज बूट सेक्टर का फर्स्ट वायरस कौन सा था तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर ब्रेन विच ऑफ नोन एज मियस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा मेलेियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर मलवेयर टू प्रोटेक्ट आ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कम्प्यूटर अपने कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए तो राइट right आंसर क्या होगा ए नंबर एंटी वायरस द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर को कम्युनिकेशन सिस्टम से लिंक करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो राइट right आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर नेटवर्किंग इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स आर यूज फॉर जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं तो पहला ऑप्शन कहता है सिक्योरिटी पर्पस सेकेंड कहता है पासवर्ड्स लिस्ट सीक्रेट थर्ड दोनों और लास्ट कहता है फास्टर एग्जीक्यूशन तो राइट right आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं उनका यूज हम करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए और सेकेंड यूज उसका हम करते हैं पासवर्ड लिस्ट सीक्रेट के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ फायर वॉल फायर वॉल का इनमें से कौन सा की फंक्शन है तो राइट right आंसर हमारा क्या होगा फोर्थ नंबर मॉनिटरिंग फायर वॉल्स आर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर जो होते हैं ये हमें किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा डी नंबर अनऑथोराइज अटैक्स ऐसे अटैक्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होने वाले हैं जो अनऑथोराइज है उनसे प्रोटेक्ट करता है हमें फायर वॉल्स अब फायर वॉल फायर वॉल क्या है इसका काम क्या है तो राइट right आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर सेपरेट्स आ नेटवर्क इन टू मल्टीपल डोमेंस मल्टीपल डोमेंस में नेटवर्क को सेपरेट करने का काम भी फायर वॉल ही करता है आ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड ऐसा प्रोग्राम जो डिजाइन ही किया गया है कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे क्या कहते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा ए नंबर वायरस लिंक लिंक इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन क्या होता है करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर इज सिक्योर देन एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिंक इंक्रिप्शन जो होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के तुलना में कम सिक्योर होता है लेस सिक्योर होता है अ हाई पेसिंग रेट हाई पेसिंग रेट क्या है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर मे ऑल्सो कॉज अ हाई इनपुट आउटपुट रेट ये हाई इनपुट आउटपुट रेट का कारण भी हो सकता है कौन हाई रेट व्हाट द मोस्ट कॉमन वे टू गेट अ वायरस इन योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क ऐसा कौन सा कॉमन तरीका है जब हमारे कंप्यूटर हार्ड डिस्क में वायरस अटैक करता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर बाई ओपनिंग ईमेल्स जब हम कुछ स्पैम ईमेल्स वगैरह जो आते हैं उन्हें ओपन करते हैं तो उस समय पर कंप्यूटर वायरस जो होता है हमारे हार्ड डिस्क पर ईजीली अटैक कर पाता है द फ्रेज डैस डिस्क्राइब इनमें से कौन सा फ्रेज है जो इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है पहला है हमारा वायरस वार्म ट्रोजन होर्स अटैक अपलेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट इन सभी चीज़ों को कौन सा फ्रेज डिस्क्राइब करता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर मलवेयर मलवेयर इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसोलिसिएटेड इज अब्यूज मैसेजेस सेंड करने के लिए अनसोलिसिएटेड मेथड कौन सा होता है अनसोलिसिएटेड का मतलब होता है मिसट्रस्टफुल तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर स्पैम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इंटरव्यू क्वेश्चन है अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इजा एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही एक्सपर्टीज का यूज करता है दूसरों लोगों के कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन को पाने के लिए इलीगली ताकि उसे डैमेज कर पाए उसे क्या कहा जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर हैकर डैश आर ओफेन डिलीवर टू पी सी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ओफे डिजाइन टू डू हार्म ऐसा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पी सी से डिलीवर किया जाता है थ्रू ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से और वो डिजाइन ही किया जाता है हार्म पहुंचाने के लिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर स्पैम अ हैकर कॉन्टेक्ट योर फोन और ईमेल्स एंड अटेम टू एक्वायर योर पासवर्ड इज कॉल्ड तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फीसिंग और हैकर तभी ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है जब वो आपको कोई स्पैम ईमेल्स वगैरह भेजता है आप उसे ओपन करते हैं और इंटरटेन करते हैं तब वो सक्सेसफुली अपने काम को कर पाता है इसीलिए ऐसे अनलीगली जो मैसेज वगैरह आते हैं उन्हें हमें ओपन नहीं करना चाहिए उसे स्क्रॉल करके डिलीट कर देना चाहिए आ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज आ डेस्कटॉप कंप्यूटर और किस नाम से भी जाना जाता है आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर पीसी पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे रिपीट कर देते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्योंकि एग्जाम में कई बार पीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज फॉर जनरली हम कंप्यूटर का क्यों यूज करते हैं यहाँ पे किसी नेगेटिव काम के लिए बात नहीं हो रही है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ओलोफ दब इन सभी काम के लिए पहला ऑप्शन कहता है परफॉर्म्स कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने के लिए हम जनरली कंप्यूटर का यूज करते हैं सेकेंड है अकाउंटिंग थर्ड है क्रिएटिंग अस्मॉल डेटा बेस स्मॉल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी हम जनरली कंप्यूटर का यूज करते हैं विच वायरस स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर वायरस। आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इनमें से कौन सा कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस में काउंट नहीं होता है आपको ये बताना है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर माउस अब आप कमेंट में लिख के ये बताइएगा कि माउस इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है इस क्वेश्चन से ये तो पता चल गया है कि माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है अब दोनों में से कौन सा है ये आप बताएंगे फिच इज वाइडली यूज इन एकेडमिक टेस्टिंग एकेडमिक टेस्टिंग के लिए हम सबसे ज्यादा इनमें से किसका यूज करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर ओ एम आर और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यह भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार ओ एम आर स्टैंड पूछता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो कंप्यूटर कंटेन सभी माइक्रो कंप्यूटर में ऑलमोस्ट इनमें से कौन कौन सा चीज होता ही होता है तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑफ दी एब ये सभी पहला है कीबोर्ड सिस्टम यूनिट और थर्ड है हमारा स्क्रीन और मॉनिटर ये सभी माइक्रो कंप्यूटर में आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे एंटी वायरस इज एंटी इनमें से क्या है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा थर्ड नंबर प्रोग्राम कोड को हम एंटीवायरस कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इनमें से किसके एग्जाम्पल है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर सिक्योरिटी यूटिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर डोस डोस का फॉर्म क्या होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रियट डॉस कमांड इनमें से डॉस का कौन सा अप्रोप्रियट कमांड है तो राइट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर फॉरमैट डैश इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस कैविटी वायरस के नाम से भी इनमें से कौन सा वायरस जाना जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर स्पेस फिल्टर वायरस इसे हम कैविटी वायरस भी कहते हैं और पे एक example से समझिए अगर किसी भी या कंपनी में हम कंप्यूटर फैसिलिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका प्रिंसिपल एडवांटेज क्या होता है तो पहला कहता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो हमारा कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है सेकेंड ऑप्शन कहता है प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इजियर टू कंट्रोल जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उन्हें कंट्रोल करना इजी हो जाता है थर्ड कहता है प्रोसेसिंग एक्टिविटीज आर इजियर टू कोऑर्डिनेट और उसे कोऑर्डिनेट करना भी इजी होता है इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज कंट्रोल बाय इट्स जो कुछ भी कंप्यूटर करता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर सीपीयू और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये तो आप जानते ही है कमेंट में लिख के बताइएगा सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन सिंगल बस स्ट्रक्चर जो होता है मुख्य रूप से कहाँ या किस में पाया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में डैश दैट इज इनमें से कौन सा है जो सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इनफेक्ट हो चुके हैं तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर ओवर वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस इज ऑल्सो नोन एज ऐसा वायरस जिसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन वायरस वो किस नाम से भी जाने जाते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा सी नंबर नन रेसिडेंट वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वायरस इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा वायरस का टाइप नहीं है तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर ट्रोजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज बोथ कॉमन मीनिंग एंड कंप्यूटर मीनिंग इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका कॉमन मीनिंग के साथ साथ कंप्यूटर मीनिंग भी है तो करेक्ट आंसर क्या होगा बस बस का बस टोपोलॉजी भी आपने सुना होगा और इसका कॉमन मीनिंग क्या होता? वो बस जिसमें हम ट्रेवल करते हैं तो एक कॉमन मीनिंग है और एक कंप्यूटर मीनिंग है विच इज अनादर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज फंक्शनल लैंग्वेज का दूसरा नाम भी क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर एप्लीकेशन लैंग्वेज इसी को हम फंक्शनल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं इसी का है फिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डेटा दैट कांट बी ईजिली अंडरस्टूड इफ इंटरप्टेड इनमें से कौन सा है जिसे कोडिंग ऑफ डेटा कहते हैं दैट कांट बी इज़िली अंडरस्टूड जिसे इज़िली समझा नहीं जा सकता है इफ़ इंटरप्टेड यदि कोई इंटरप्शन क्रिएट करते हैं तो तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंक्रिप्शन वेन डिड आई बी एम अनाउंस इट्स आई बी एम एक्स टी माइक्रो कंप्यूटर आईबीएम जो कंपनी है वो कब अनाउंस की थी आईबीएम माइक्रो कंप्यूटर का किस ईयर में तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर नाइनटीन एटी थ्री में प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ऐसे प्रोग्राम जो डिज़ाइन ही किए जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर ये पर्टिकुलरली बनाए ही जाते हैं स्पेसिफिक काम को करने के लिए जैसे अगर आप बी सी ए के स्टूडेंट हैं तो आप सी प्लस प्लस जावा सीखते हैं फिर आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो टैली को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर के एग्जाम्पल है जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप इन्हें इंस्टॉल करते हैं अपना काम करते हैं फिर अन भी कर देते हैं तो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी हार्म नहीं होता है इंस्ट्रक्शन कॉड इनमें से कौन सा है जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है बेसिक कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पूछता है बेसिक का फुल फॉर्म तो भी आप यही लिख के आएंगे बिगनर्स ऑल परपज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप गलती नहीं करेंगे ऑफ़ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी इनमें से कौन सा है जिन्हें लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की जरूरत पड़ती है अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखना चाहे तो करेक्ट तो आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑफ दी एब ये सभी पहला है वॉइस इमेजिंग ग्राफिक्स इन तीनों चीजों के लिए हमें मेमोरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है इनमें से कौन सा मलवेयर है जो अपने आप ऑटोमेटिकली रिप्लीकेट नहीं होता है कॉपी नहीं होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फैलता नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर ट्रोजन होर्स A warm runs a copy of on में अपने आप तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रू हाँ ये कर सकता है अर्म सेंड अफ इट सेल्फ टू अनदर सिस्टम अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो वार्म होता है क्या ये किसी भी चीज के कॉपी को अनदर सिस्टम में अपने आप सेंड कर सकता है ट्रू और फॉल्स तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रू हाँ इनमें से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल को सिक्योर करने का तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर पी जी पी अ नेटवर्क इज यूज इन साइड एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर प्राइवेट नेटवर्क क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो यूज कर रहा है उसका पर्सनल नेटवर्क है इसीलिए वो प्राइवेट है पब्लिक नहीं है मैक एफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक एफी इनमें से किसका एग्जाम्पल होता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा सेकेंड नंबर एंटी वायरस का वट इज द मैक्सिमम करेक्टर्स लिनक्स सपोर्ट इन इट्स फाइल नेम जो लिनक्स होता है उसका फाइल नेम का मैक्सिमम वो कितना सपोर्ट कर सकता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी नंबर टू फिफ्टी सिक्स जोएस्टिक अलाउस द मूवमेंट विथ जो जोएस्टिक होता है जिसका यूज हम सबसे ज्यादा गेम खेलने में करते हैं जो गेम के लवर होंगे जो गेमिंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि जो वो उसका जो मूवमेंट है वो कितना अलाउ कर सकता है तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 360 डिग्री एंगल में वो अपने मूवमेंट को अलाउ कर सकता है लोएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इज सिक्योरिटी सिस्टम का सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा होता है तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ए डैश मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम मॉडिफिकेशन बाय अन यूज़र इनमें से कौन सा ऑप्शन से जिसका यूज हम करते हैं जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना किससे मॉडिफिकेशन बाय अन यूज़र ताकि कोई अन यूज़र उसे मॉडिफाई ना कर दे डिलीट ना कर दे या कोई छेड़छाड़ ना करे तो करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर इंटीग्रिटी आ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़ एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या क्या होता है तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ओलोफ्ती एब फर्स्ट लार्ज मेमोरी आपको मेमोरी का साइज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्यूरेसी जो उसकी शुद्धता होती है एक्यूरेसी जो होती है वो अनलिमिटेड आपको मिल सकता है एक्सट्रीमली हाई स्पीड और जब हम उसकी स्पीड की बात करते हैं तो वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना होगा फिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थ्रेड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का इनमें से कौन सा थ्रेड्स हो सकता है पहला है हमारा ट्रोजन होर्स सेकेंड कम्प्यूटर वायरस थर्ड है कंप्यूटर वार्म और लास्ट है हमारा ओलोफ दि अब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस ओवरटेक कम्प्यूटर सिस्टम वेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन इनमें से कौन सा वायरस है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक करता है जब बूटिंग होते रहता है और सारे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है खत्म कर देता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर स्टिल्थ वायरस की लोगर इ की लोगर किसे कहा जाता है तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर स्पाइवेयर को टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर यू शुड टर्न ऑन अपने कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हैकर से हमें क्या ऑन करके टर्न ऑन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखना चाहिए तो करेक्ट आंसर होगा फायरवॉल फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायरवॉल जो होते हैं वो हमें किन से प्रोटेक्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर अनऑथोराइज एक्सेस शायद ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पर कोई बात नहीं आपका एक बार फिर से रिविजन हो गया अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन रिप्लीकेट इट सेल्फ एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप कॉपी हो जाता है और दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप कॉपी होता है और वो दूसरे कंप्यूटर में भी फैल जाता है अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो डैश आर बाय इंडिविजुअल्स टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फॉल्सिफाई देयर आइडेंटिटी इसे कहा जाता है फीसिंग स्कैम ये एक है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिया जाता है टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू ताकि आपसे आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लिया जाए और उसके आइडेंटिटी को फॉल्सिफाई कर दिया जाए ऑथेंटिकेशन इजा ऑथेंटिकेशन क्या होता है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा हमारा थर्ड नंबर हार्ड टू एश्योर आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर रिमोट सिस्टम यूजर के आइडेंटिटी को एश्योर करना हार्ड होता है कहा रिमोट सिस्टम पर अल्टरिंग ऑफ डेटा सो इट नॉट अनेबल अनलेस द चेंजेस आर अंडन इज यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर इंक्रिप्शन हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर ऑन अ आप हार्ड कॉपी कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं तो राइट right आंसर होगा हमारा प्रिंटर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का सही तरीका नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑफिशियल एंटी वायरस सीडीज तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक like कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए